अगर सच में बॉलीवुड में किसी ने तूफान उठाया है तो ये नहीं। उसने एक इशारा किया तो तूफान उठेगा। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। ओ, 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 जोक नहीं है, तुमने देखा नहीं भाई, जरा दिखा दो। लेकिन इस फिल्म में राकेश ओम प्रकाश मेहरा के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही फरहान अख्तर की रीच को जानते हैं और स्क्रिप्ट के साथ अपने बॉडी को कैसे बदलना ये भी जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ बॉडी ही ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि खुद फरहान भी, तो देखते हैं इसी के बारे में। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ 16 जुलाई 2021 को Amazon Prime पे फरहान अख्तर का आया हुआ फिल्म तूफान के बारे में। मैंने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तभी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब मैंने फिल्म देखा तो दंग रह गया। एक नंबर हो गया बाबा, एकदम ये बाबूराव का स्टाइल है। तूफान तो इस फिल्म का बस नाम है, लेकिन झलक दिखाता है असल जिंदगी के आंधी का। कहानी बोले तो एकदम सिंपल है और इस कहानी से ही इस पूरे फिल्म में दम है। डोंगरी में रहने वाला एक अनाथ मावाली अजीज अली जाफर भाई के लिए वसूली का काम करता है। अपने पहचान की तरफ ध्यान न देने वाला अनजाने में एक दिन एक महाराष्ट्रियन डॉक्टर के मुंह से अपने अस्तित्व का एहसास होने के बाद और उसके किस्मत ने उसके लिए एक दरवाजा खोल के उसे अनजाने से एक दिन डोंगरी के मर्चेंट भाई के बॉक्सिंग क्लब में उसे एक ऐसे खेल की लत लगा दी कि ये मामूली सा वसूली करने वाला अजीज अली बॉक्सिंग से पूरे महाराष्ट्र में बनेगा तूफान। लेकिन इस दुनिया में भले हम कितने भी डेमोक्रेटिक या फिर स्वतंत्र बन जाए, लेकिन ये जात और धर्म के नाम का आंधी चीर के रख देगा तूफान को और ढकल देगा उसे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसे अंधेरी गली में जहाँ पे सब कुछ उजड़ जाता है, जब लग जाता है उसके ऊपर 5 साल का बैन। असल जिंदगी आपको जितने अच्छे पल देती है उससे कई ज्यादा आपको बुरे पल दिखाती है, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई हंसी में नहीं। तो सबको एक न एक दिन इस मिट्टी में जाना है, सबको किसी न किसी को तो खोना है और एक दिन सबको रोना है। लेकिन उस दुख के आंसू के बूंद आपकी कमजोरी नहीं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। इसलिए आपको जिंदगी हमेशा ज्यादा रुलाएगी ताकि उस दुख में भी आपके आंसू के बूंदे आपको आप होने का एहसास दिलाएगी। इस दुख में से गुजर कर अपनी एक छोटी सी परिवार बनाकर जब जिंदगी जो हरे को नसीब नहीं होती वो एक सुनहरा दूसरा मौका उसे देती है फिर से रिंग में आने का और अपना पूरा हिंदुस्तान में नाम बनाने का। इसे एक पल में उसे बहुत खुशी ले आई, लेकिन दूसरे ही पल अपने बहुत ही करीबी को खोने का दुख के काले बादल बिछाई। इस दुख के बादलों से और धोखे के पछतावे से गर्म हवा से बनकर निकलेगा ये बेकाबू तूफान जो अभी नहीं थमेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा। बस उसके रास्ते जो कोई भी बाधा आएगी उसे वो उखाड़ फेंकेगा और जीत जाएगा 69th इलिट मेंस बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप। ऐसा ही एक बहुत जबरदस्त दिल दहला देने वाला और प्रेरणादायक फिल्म है ये। राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जो मूवी जोनर टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है और जिस हिसाब से वो दर्शाते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे अभी भी याद है हम जब हमारे मित्र के घर गए थे तभी हमने जो फिल्म देखा था वो था RDB, मतलब रंग दे बसंती। इसमें मतलब ये नहीं कि हमने पहले ये फिल्म देखा नहीं था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब हमने देखा था वो अभी भी हमें सब लोगों को अच्छे से याद है। उसके बाद जो मेरे जिंदगी में लहर लाई वो थी भाग मिल्खा भाग और उसके बाद ये फिल्म तूफान। कुछ नारायण मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करते हैं? और इस फिल्म में आपको सभी एक्टरों के साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। मतलब अभी ये भी सुभाष गाय बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुरा बिल्कुल भी नहीं भाई, उसका खुद का ही फिल्म है तो काम करे या डायरेक्ट करे उसकी मर्जी। एकदम सही बोला भाई। तो इन दोनों की जोड़ी ने हमें दो बहुत ही अच्छी फिल्म दी जिसे देखकर किसी को भी अपना बुरा समय सबसे अच्छा समय चल रहा है ऐसे सोचने में मजबूर करेगा। तो इस फिल्म में जितना रियलिटी दिखाया ना उतना शायद ही आपको कोई और फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। और जब जिंदगी आपको बहुत कुछ देकर आपसे एक झटके में सब कुछ छीन लेता है तब उस दर्द के आग में जलने की अनुभूति कोई और नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये कोई एक्शन फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल ड्रामा फिल्म है। तो उसका मेन मुद्दा है लोगों को मोटिवेट करना जबकि एक्शन दिखाना नहीं। लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को लगेगा
इस फिल्म के अंदर बहुत सारा ड्रामा है, लेकिन यकीन मानो जितना ड्रामा है उतना एक्शन भी, और जिस हिसाब से एक्शन दिखाया गया है बॉक्सिंग का, इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छे से हर एक चीज हर एक डिटेल को कैप्चर किया है। ये फिल्म शायद आपको रॉकी और सुल्तान का कॉम्बिनेशन लगेगा, लेकिन ये उसमें भी अपने आप से अलग है। मुझे इस फिल्म में कंसेप्ट मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी और हर एक डिटेलिंग जो इस 2 घंटे 40 मिनट के फिल्म में कवर कर पाए हैं वो बहुत ही पसंद आया, और ये किसी की असल जिंदगी की कहानी देख रहे हैं ऐसा महसूस होगा। लेकिन एक्टिंग की बात करूं तो फरहान अख्तर ने इस फिल्म के अंदर बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया रोल निभाया। जैसे कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था, इस फिल्म में सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो इसके अंदर खुद फरहान भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब से फरहान अख्तर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा का हाथ पकड़ा हुआ है, और ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा के फिल्म करने से पहले जितने भी फिल्म निकाल के देखोगे तो आपको उसके एक्टिंग में और उसके बाद के एक्टिंग में जिस हिसाब से वो कैरेक्टर को पकड़ के आगे निकलता है और उसके अंदर सारे इमोशंस को मिक्स करके वो जो कैरेक्टर प्ले करता है वो अपने आप से एक अलग रोल निभा रहा है। मतलब उसके बिना ये रोल और कोई अच्छे से निभा नहीं सकता, इसकी हम लोग को अनुभूति होगी। और जिस हिसाब से उसने मुंबई के एक टपोरी लैंग्वेज को अपनाया है और जिस लहजे से बोलता है वो इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करता है। मतलब ये एक स्टैंड अलोन कैरेक्टर बनाता है। और इस फिल्म में आपको फिट टू फैट टू फिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये एक फिल्म है इसमें से वो फैट टू फिट ही गया रहेगा, उसके बाद वापस फैट नहीं हुआ रहेगा। लेकिन वो एक परफॉर्मिंग एक्टर है, मतलब ऑन स्केल एक्टर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रहा है, मूवीज उसके कोई ना कोई आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया और वो छोड़ दिया उसने एक्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जब वो फैट हुआ उसके पहले वो थोड़ा सा फिट हो गए ना, ठीक है उसको 6 ऐप्स नहीं होंगे, सिर्फ 4 या 2 ऐप्स होंगे, लेकिन ही मस्ट बी लाइक फिट। बट उसके बाद वो फैट होना, वो जो ट्रांसफॉर्म होना, उसके बाद वापस से फिट होना, तो उसके लिए एक्चुअली ये फिट टू फैट टू फिट ही ट्रेनिंग है। नॉट दैट फिट बट ओके, फिट फिट होता है इंसान, ऐसे नहीं कि उसको 4 abs और 6 abs रहेंगे तो ही वो फिट है। तो इस फिल्म के अंदर हमें उसका वो जर्नी, उसका वो डेडिकेशन, ये करना बहुत मुश्किल है बॉस, तो उसने वो उस फिल्म के अंदर कर दिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। और एक इंस्पिरेशन स्टैंड अलोन हो जाती है सभी लोगों के लिए, यंगस्टर, ओल्ड और खास करके लड़कियों के लिए भी। पूरे फिल्म में जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन और बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है इस फिल्म को। और बहुत टाइम के बाद मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट टाइम फरहान और परेश रावल की जोड़ी को साथ में देखा है, जो बहुत ही जबरदस्त दिखती है ऑन स्क्रीन। तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंट को जाता है। रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू CBFC इसे रेट किया है UA, मतलब 12 साल के नीचे बच्चों को पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। अगर मुझे पूछने के जाओ तो इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है, लेकिन हाँ ये एक बॉक्सिंग के बारे में फिल्म है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत खून वगैरह दिखाया है, तो थोड़ा पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। इसका मतलब यही है कि बच्चे पेरेंट्स साथ बैठ के ये फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, पूरी फैमिली भी इकट्ठे साथ में बैठ कर कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। अभी के लिए ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और इंग्लिश सबटाइटल्स में ही अवेलेबल है, बाकी सारे लैंग्वेजेस शायद आने वाले समय में वो लोग डबिंग करके डाल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये कोई भी अंधे या फिर विजुअली ब्लाइंड फ्रेंडली फिल्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अभी के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो 200% मैं सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा ये फिल्म देखने के लिए। तो अगर आप अपने जिंदगी के कोई एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप थोड़े डिप्रेस्ड हो या फिर अपसेट हो, तो ये फिल्म तो आप लोगों के लिए अपलिफ्टिंग होगी ही। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ चीज़ों से नहीं गुजर रहे हो, पहले से ही मोटिवेटेड हो, तो ये फिल्म आपको और मोटिवेट करेगी। और इस फिल्म से मैं एक ही चीज़ बहुत जल्दी से आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पता है और इस चीज़ के बारे में उन्हें पहले से मालूम है, लेकिन जिसे मालूम नहीं है ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस फिल्म को देखकर। जैसे आप अगर फरहान अख्तर को देखो तो आप बोलोगे कि अरे यार इसने तो इतना मस्त बॉडी बनाया, इतना फटाफट बॉडी बनाया, मुझे भी ऐसा कुछ बनाने का। इस चैलेंज में मत पड़ो, अगर ये आपका काम नहीं है तो आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका काम है, वो एक एक्टर है, वो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, तो उसके लिए वो नीड है, इसलिए उसको वो करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे ही कोई ऑफिस में एक बंदा काम करता है और उसे अपनी पोजीशन से कुछ हायर पोजीशन चाहिए, तो वो कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करेगा, छोटा मोटा कोर्स करेगा या फिर कुछ और चीज़ करेगा जिससे वो उसको हेल्प हो ताकि वो उस पोजीशन को एक्वायर कर सके। ठीक ऐसा ही स्ट्रगल इन एक्टरों को अपने बॉडी के ऊपर करना पड़ता है। उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वो अकेला परफॉर्म नहीं करता है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनके ट्रेनर्स होते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, तब वो बॉडी जो 1 साल या 2 साल में अटेंड कर सकते हैं वो 6 महीने 3 महीने 4 महीने 8 महीने में अटेंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी वो कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए और आपने सोचना चाहिए ये मूवी देखकर या ऐसे काइंड ऑफ मोटिवेशनल मूवी देखकर कि हाँ अगर उसने बॉडी बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। ये फिल्म बॉडी बनाने के ऊपर नहीं है, ये फिल्म कोई अपने फिजिक को मेंटेन करने के ऊपर नहीं है। फिल्म के अंदर एक मोटिवेशन ये दिखाया है कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई एक स्ट्रगल स्टेज आता है,
हर एक के लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी डिप्रेशन के थ्रू जाता है। इसका मतलब हम बस वहीं पे फंसे ना रहें, वहां से कैसे आगे निकले। और हम जो चीज कर रहे हैं, हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट या लॉ, कोई भी सेक्टर में हो, अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन है उसको फेस करके हम आगे कैसे चले, ये इस फिल्म से मैसेज जाता है। बल्कि ये नहीं जाता कि भाई बॉडी बनो और फिजिक बना के रखो, नहीं। लेकिन अगर आप उस फील्ड में हो तो आपके लिए मोटिवेशन उस टाइप का है। लेकिन आप अगर उस फील्ड में नहीं हो, जैसे एक्टिंग फील्ड में नहीं हो, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट फील्ड में नहीं हो, कोई और फील्ड में हो, तो आपके लिए स्ट्रगल आपके खुद के फील्ड में है जो आपको क्रैक करना है और आगे निकलना है। बस ये समझ के नहीं रहना है यही पोजीशन है, यहीं पे टका रहूंगा, यहीं पे बैठा रहूंगा, इसके आगे कभी मैं जा नहीं पाऊंगा, ये मेंटालिटी से रख के एक ही जगह पे स्टिक होके ना बैठे, ग्रो होते रहिए, हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते जाइए, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए आज, कल, परसों, तरसों, 2 साल, 5 साल, कभी ना कभी तो होगा सर। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। वैसे भी ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अगर आपको मेरे कोई और दूसरे व्लॉग्स देखने हो या आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आएंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको मेरा व्लॉग चैनल या फिर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे स्क्रीन पे आ रहा है ठीक वैसे ही उसका घंटा और ऑल बटन दबाइए, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोज आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, पर हाँ मेरे पॉडकास्ट को सुनना भूलना नहीं। बाय।